अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो ये जो वीडियो है ना, ये बेस्ड है जी ड्रेस डिज़ाइनिंग पे, क्योंकि कुकिंग देख देख के मेरा ख्याल है कि आप लोग भी थक गए होंगे और इंसान की जान को वैसे भी रेस्ट देना चाहिए। तो क्यों ना मैंने सोचा कि एक ऐसा कंटेंट बनाया जाए जो लड़कियों के लिए तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो ये ड्रेस था बीसवीं का, ये मैंने लास्ट ईयर परचेज़ किया था और इस ड्रेस को कॉपी तकरीबन 10 से 12 लोगों ने किया होगा, उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। तो ये मेरा लास्ट ईयर का ड्रेस था, मार्च में मैंने बीसवीं से ये लिया था। इसकी डिटेलिंग कुछ यूँ है कि ये सॉफ्ट जो लॉन होती है, लॉन के ऊपर बना हुआ है और इसकी डिटेलिंग में कुछ लेसेस हैं जो इसके अटैच हैं बाजुओं पे, और बीच में इसके जो डली हुई है वो जो आजकल ट्राउज़र्स में नहीं ऐड करते जॉइंट लेस, ये वो है। और ये ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके नीचे एक शलवार थी। अच्छा, सेकंड ड्रेस जो है ना, ये तो भाई बहुत 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 हसीन है, इसका भी कोई वो नहीं है। अच्छा, ये मैंने एक पेज से ऑर्डर किया था लेकिन उन्होंने ऐसा पीआर भेजा। ये पिक्चर के अंदर ये देखें, ये फुल ड्रेस है। इसके अंदर चारों जो है ना वो लाइनें जो हैं वो लेस की डली हुई है। इसका गला कुछ यूँ है, ब्लॉक ट्राउज़र है। इसका जो लंबाई है ना उसकी शर्ट की वो है 43, ब्लॉक ट्राउज़र की जो है वो 12 इंच का इसका जो है वो पोंचा है। तो ये इसकी डिटेलिंग है, इसके बाजू बहुत अच्छे बने हुए हैं। और तीसरा जो ड्रेस है वो है ये वाला। ये ड्रेस जो है ना बेसिकली ये ड्रेस बना हुआ है उसके ऊपर, क्या कहते हैं, लॉन के ऊपर। ये खाड़ी का है, ये मैंने टू पीस जो था ये मुझे गिफ्ट आया था, तो इसके मैंने कुछ ऐसे स्टिच करवाया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। गला बिल्कुल सिंपल है, और लॉन के कपड़े जो है ना उनका गला खुला ही रखवाने चाहिए क्योंकि गर्मी तौबा। अच्छा, ये जो है इसका ट्राउज़र के अंदर भी लेसेस हैं और शर्ट के अंदर भी। ये तीसरा जो चौथा सॉरी जो चौथा ड्रेस है ये है खाड़ी का, ये भी बिल्कुल सिंपल लॉन का थ्री पीस था, ये भी मुझे गिफ्ट आया था। इसकी स्टिचिंग कुछ यूँ है कि इसके मैंने चारों साइडों के ऊपर लेस लगाई थी छोटी, और इसका गला कुछ अच्छा करके बनवाया। इसका ट्राउज़र बहुत प्यारा था, उसको मैंने कुछ नहीं किया, ये सेम एज इट इज़ मैंने स्टिच करा लिया। इसका दुपट्टा जो था इसके चारों साइडों पर मैंने अच्छी वाली पीको नेक करवानी थी पर वो करवाई नहीं। अच्छा, ये जो फिफ्थ वाला है ना, इसका ये सीन है कि ये है जेडोट का, ये भी बिल्कुल प्लेन था। ये इसकी ओरिजिनल पिक्चर है। तो ये मैंने सब कुछ इसकी लेसेस वगैरह जॉइंट लेस ये बीच में सारी लेसें और पाइपिंग मैंने लेके दी थी अपने टेलर को। गला इसका जो लगा हुआ है ये भी सारा मैंने खुद बनवाया था। और इसका जो ट्राउज़र है ये मैंने स्टिच लिया था, ये टू पीस था। और इसका जो दुपट्टा था ना कॉटन नेट का, अच्छा मैंने इसको फैंसी इसलिए भी किया था, इसका जो दुपट्टा है ना कॉटन का ये कॉटन नेट का था, तो इस वजह से। आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये देखें जी। अच्छा, ये बोनेंजा सतरंगी का, ये भी मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट आया था। और इस सूट को मैंने थोड़ा सा हैवी इस वजह से स्टिच कराया था कि पार्टी वेयर जो है वो यूज़ हो जाए। ये जेकार्ड का सूट है, इसके बाजुओं के आगे मैंने ऑर्गेंजा लेके लगवाई थी, और ये इसके गले पे लेस थी, इसके नीचे ये छोटे छोटे लटकन, ये सब कुछ मैंने अपने टेलर को लेके दिया था और पाइपिंग करवा ली थी। इसका ट्राउज़र बहुत ज़बरदस्त बनवाया था मैंने, ये इसके दो बो बनवाई थी, और इसके जो दुपट्टा है उसके चारों साइडों पे लेस लगवा ली थी क्योंकि मैंने थोड़ा हैवी लुक देना था। ये देखें जी इसका। अच्छा, अब ये जो सूट था ना ये बिल्कुल प्लेन था, इसके ऊपर ये सिर्फ जो थोड़ा सा आपको गोल्डन नज़र आ रहा है ये था इसके ऊपर, और ये ब्लैक ब्लैक बस प्रिंट था। इसको मैंने थोड़ा सा ना ओपन शर्ट स्टाइल में ना स्टिच करवा लिया। ये इसके जो थोड़े से मैंने इसकी पाइपिंग वगैरह गोल्डन में लेके दी। इसका ट्राउज़र मैंने बिल्कुल सिंपल रखा और गला बनवाया। ये है जी इसका ट्राउज़र, और दुपट्टा जो है इसका ब्लैक और गोल्डन में था, और गोल्डन ही मैंने अपने सूट के ऊपर लेस नहीं वो पाइपिंग लगवाई थी। अच्छा, ये मेरा बर्थडे का सूट था जो मामा ने दिया था, इसके मैंने गले पर तीन लड़ियाँ लगवा ली थी, और ये भी बिल्कुल प्लेन था थ्री पीस। इसके दुपट्टे पर मैंने लेस लगवा ली थोड़ा सा हैवी लुक देने के लिए। इसके ट्राउज़र के ये जो सारे पैचेस हैं ये भी मैंने खुद लगवाए हुए हैं, ये बिल्कुल प्लेन था। इसका गला भी मैंने खुद बनवाया। तो ये था जी इसकी फाइनल जो है ना लुक। अभी तक ये मैंने पहना नहीं है, इनमें से कोई भी एक ड्रेस मैंने ईद पे पहन लेना बस, सब बहुत हो गए ड्रेसेस। तो ये जो है ना ये बहुत मज़े का लग रहा था। अच्छा, ये सना सफीनास का है ये जो थ्री पीस। अच्छा, ये जो ड्रेस है ना, ये जो मेरे ख्याल है 7 के 8 नंबर पर, ये ड्रेस जो है ना ये मैंने लास्ट ईयर लिया था, ये मरजान का है।
तो ये इसको मैंने जब परचेज़ किया तो इसकी वो पिक्चर थी। मैंने इसको स्टिच बहुत बहुत ज़बरदस्त करवाया, मतलब कि इसके जो बाजुओं का डिज़ाइन है ना, गला मैंने बैक से जो था वो छोटा सा एक अंडा रखवा दिया, और इसके जो बाजू थे इसके ऊपर ऑर्गेंजा लेके मैंने इसकी चुन्नट डलवा दी, फिर उसका दुपट्टे के मैंने लटकन लगवाए, और मैंने कुछ नहीं कराया क्योंकि ये हैवी ख़ुद भी बहुत था। इसको मैंने बनाना था एक पार्टी वेयर फुल हैवी ड्रेस जो हम फेस्टिवल पे पहन सकें। तो ये देखें जी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। बेसिकली ये मैंने डिज़ाइन अलमीरा पे देखा था, उनका भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये इसका बैक देख लें, बैक भी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी। अच्छा, ये ड्रेस जो था ये अभी का न्यू अराइवल्स मारिया बी का, इसका इसके मारिया बी के साथ सिर्फ आपको दो इसके पैचेस मिलते हैं, एक गले के और एक ये जो बॉर्डर है, बस। बाकी इसका सब कुछ मैंने खुद ये नीचे लटकन लगवाई और मैंने सेम एज ओरिजिनल बनवाया इसको। और इसका जो गला है इसके ऊपर जो ये मोती से लगे हुए हैं पर्ल्स, ये सारे मैंने खुद ले कर लगवाए। उसके बाद इसके जो बाजू थे, पता नहीं इस बाजू को क्या बोलते हैं, कफ वाले बोलते हैं या गुड्डी वाले, ये मैंने ये बाजू खुद बनवाए हैं ओरिजिनल पिक्चर देके। आगे मैं पिक्चर अटैच करूँगी, वो आप देख लीजिएगा। ये बाजू के ऊपर भी जो लेस है ये भी मैंने खुद लगवाई है। अच्छा, ये दुपट्टे को मैंने थोड़ा हैवी लुक देने के लिए ना, तो मैंने इसके नीचे भी लेस लगवाई है, साइडों पर बारीक वाली और बॉर्डर पर बड़े चौड़ी वाली। और ये इसका ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल रखवाया। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। ये जो मैंने पिक्चर अटैच किया ये ओरिजिनल की पिक्चर है। अच्छा, इसके नीचे मैंने कपड़ा लगवाया गले के ताकि ये नज़र ना आए ना, तो इस वजह से। हाँ जी, तो अब आप बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा ड्रेस अच्छा लगा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।